वालेकुम माई YouTube फैमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट मैक्रोनी की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। पानी को उबल चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, 2 चम्मच डाल के डालेंगे कि मैक्रोनी जो है जब बॉयल होती है तो वो जो है ना खिली खिली सी ही लगे, वो चिपके नहीं। ठीक है, ये 4 चम्मच हो गए हैं। हाँ, ये भाभी के काम देखे, 2 चम्मच बोल के 4 चम्मच डाल गई है। अच्छा, तो कोई इतना तो चलता है हमारी देसी कुकिंग में ना, तो इसको आप एंजॉय करें। मेरा चम्मच छोटा निकल आया तो फिर वो इसकी वजह से मैंने 4 डालने पड़े। तो पहले बड़ा चम्मच लेना था ना, इसके अंदर हम मैक्रोनी डाल रहे हैं। चलिए, आयल डालने से होता है कि जो मैक्रोनी है वो स्टिक नहीं करती आपस में ना, बहुत खिली खिली सी बनती है। 10 मिनट जो है ना इसको बस हम पकाएंगे और इसको जी चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके अंदर चम्मच लगाते रहिएगा कि ये बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और ये इसके लिए ना देखते भी रहेंगे ये गल चुकी है कि नहीं अभी। और इसके साथ हम जो है ना ये कढ़ाई रख चुके हैं, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे। ये हमारा चिकन है, हमने लिया है जी हाफ के जी की चिकन है। ये जो जी गाजर है और ये शिमला मिर्च है, प्याज है, सोसेस हैं, ये टमाटर केचप जाएगा इसके अंदर। ये ऑयल डाल लेते हैं हम कढ़ाई में, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। ये मुझे लग रहा है डन हो चुकी हैं, इसका हम पानी निकाल लेते हैं। निकाल लें इसको, ठीक है निकाल लें। लग रहा है डन हो गई है। हाँ हो गई है, स्टेन कर लें इसको। हाँ मोटी मोटी हो गई। इसको निकाल लेते हैं, स्टेन कर लेंगे, साथ ही ठंडा पानी डाल देंगे। मैं भी कहूँ इसका पानी निकाल के अच्छी तरह से हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब इधर से जो है ना ऑयल फुल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम चिकन डालने लगे हैं अभी। बिस्मिल्लाह, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो इस स्टेज हम इसे मसाले डाल देंगे, है ना। हाँ बस थोड़ा सा, ये रेसिपी बाजी की है तो वो बताएंगे क्योंकि मैं फुल कोशिश करती हूँ कि फुल अच्छी तरह से ये जो फ्राई हो, जिसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम जो है स्पाइसेस डालेंगे, सब्जियाँ डालेंगे, तो फिर इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, ठीक है। एक किचन में 2 बावर्ची आ गए तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये इनकी रेसिपी है, यही बताएंगे। मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी लेकिन ये रेसिपी इनकी है, क्योंकि हर किसी का ना जो है ना अपना अंदाज होता है कुकिंग का। ये तो है, ये हम दोनों मिलके ना मज़े की जो है रेसिपी लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत पसंद आएंगी। और आपने ज़रूर हमें रिस्पांस देना है, क्योंकि आप रिस्पांस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और हम इंतज़ार करेंगे आपके फीडबैक का, तो आपने अच्छा रिस्पांस देना है हमें, ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकें। ऐड करने लगे हैं जी प्याज, इनकी रेसिपी में आपको ये भी यूनिक चीज़ नज़र आई होगी कि प्याज बाद में ऐड करेंगे। नहीं, ये भी फ्लेवर देगा, ये थोड़ा सा जैसे सब्जियाँ खली खली आएंगी ना, प्याज थोड़ा इसमें ना इसी तरह से आएगा। इनको करंची रखना चाह रही हैं ये, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं गाजर, थोड़ा टाइम लेती है कुक होने में ना। इसके अंदर डालेंगे हम सिरका, इसके अंदर हम ये सोया सॉस डालेंगे, ये बहुत ही जल्दी बनता है। ये चिली सॉस, आके भी दे देते हैं कि ये चीज़ पे दिल करता है, जिस चीज़ पे बीवी का दिल करता है, अच्छा जी ले आ जाऊंगा।
वो खुद खाना ना, इसलिए अपने पेट का बड़ा ख्याल है। फरमाइश से ये बन रहा है, तो मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी भी जो है ना वो शेयर की जाए। ये स्पाइसेस अपनी मर्जी से भी आप डाल सकते हैं, जितना अगर आप खाना चाहती हैं, तीखा खाना चाहती हैं, चाहे नॉर्मल खाना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप डाल सकती हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, तो स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ जी, अच्छा जी, इसको हमने नमक मिर्च जो है ना हमने ऐड कर चुके हैं, और इसको हम थोड़ी देर को जो है ना बंद कर देते हैं ताकि ये चिकन जो है पूरी तरह डन हो जाए। तो फिर इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड करेंगे और फिर हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी जी। ये अब हम खोलने लगे हैं जी, दामा जो हमारा लगा है, फिर लगने थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो ये लग चुका है हमारा दामा। कितना अच्छा कलर इसका है। हाँ जी, ये देखें अभी उसमें ग्रीन कलर जाएगा। इसमें ना मैंने हल्दी नहीं डाली, आपने नोट किया होगा इसमें हल्दी क्यों नहीं डाली। हल्दी मैंने इसलिए नहीं डाली कि इसका रेड रेड कलर मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए। अब इसमें मैं ये डालूंगी शिमला मिर्च। अब मजीद कलरफुल हो गया ये, ये देखिए कितना प्यारा मज़े का कलर बन गया। अब बस एक मिनट के लिए जो है ना ये शिमला मिर्च है वो ऐसे भी खाई जाती है, तो मुझे तो ये जो है ना क्रंची पसंद है। ये ऐसे ही है ना थोड़ी सही, ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, स्किन के लिए। तो कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, तो इसका फिर फ़ायदा नहीं रहता। अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो तो इसको बहुत ज़्यादा कुक ना किया करें, इस तरह से इसके हेल्थ के हिसाब से भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। कैरेट को हाँ थोड़ा सा कुक कर लें, क्योंकि वो फिर अच्छी नहीं है ऐसे। इसलिए अब जा रहा है टमाटर, केचप जा रहा जी। सारा नहीं डाल देना। ये देख रहे कुछ बचा के भी लग रहा हमने। बच्चों को बहुत पसंद होता है ये। अब इसमें हम डाल रहे कितनी मज़े की लग रही है। अच्छा, किसी को पास्ता पसंद होता है, किसी को मैक्रोनी पसंद होती है। मुझे पास्ता तो पसंद है। मैं यही कह रही थी इसको पास्ता पसंद है। हाँ, मुझे पास्ता तो पसंद है। पास्ता लगा मुझे ना दोनों चीज़ें नहीं पसंद। फिर क्यों बना रहे हो? ये तो बस एक रेसिपी देनी थी, और मुझे पता है पकाने का शौक़ भी है, और जी मियाँ जी को भी खाने का शौक है, तो मैंने कहा चलो दूसरों के लिए। हाँ, फीमेल जो होती हैं ज़्यादातर दूसरों के सोचती हैं। हाँ, अपना तो कम ही सोचती हैं। हाँ, वो जब बना लो फिर खाने का दिल भी नहीं करता। इस तरह का पैदा कर दिया कि हाँ बस इसको मैं 2 मिनट जो है इसको जो है ना दम पे रखूँगी कि जो इसके स्पाइसेस हैं वो मैक्रोनी के अंदर भी जो है ना आ जाए, टेस्ट आ जाए इसका बिल्कुल अच्छी तरह से। सिर्फ 2 मिनट के लिए मिल जी। अब ये देखिए ये रेडी हो चुकी है, कलर देखिए इसका। ये देखिए लग रही है, आपको पता है लग रही है कि नहीं लग रही, लेकिन मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। डिश आउट कर लेंगे अब इसको। अब इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। अच्छा सा प्यारा सा कोई बॉल लेके ना उसमें डिश आउट कीजिएगा, क्योंकि खाना हम खाने से पहले आंखों से खाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको टेम्पटिंग लगती है तो फिर ही आप उसको खाते हो, अदरवाइज़ आपका दिल नहीं करेगा उसको खाने को। तो इसलिए जब भी अपनी फैमिली को सर्व करें तो अच्छा सा उसको प्रेजेंट किया करें। मज़े तो सॉस के साथ आप इसको सर्व करें, टमाटो केचप के साथ। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।